तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। देखिए, कई अभ्यर्थी जो है इस भ्रम में है कि सर करंट कहाँ तक का पढ़ा जाए, क्योंकि दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि आप जानते हैं कि पहले जो इसकी तिथि प्रस्तावित थी, अब उसके बाद एक नई तिथि आई है जो कि है 17 अक्टूबर को ये परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों की ये मन में जिज्ञासा है कि अब करंट कहाँ तक की पढ़े। तो देखिए, आपको बता दूँ मैं कि करंट की बात है तो आप कम से कम देखिए करंट जुलाई 2021 तक का कंठस्थ तैयार कर लीजिए, और जुलाई 2021 तक, और कहाँ से तो दोस्तों देखिए अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 तक आपको करंट जो है तैयार करना पड़ेगा, तभी देखिए कुछ हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में देखिए कुछ भी इसमें भर्ती में हो सकता है परीक्षा करंट से रिलेटेड। जैसे समझिएगा क्या, देखिए अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021, तो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो लगभग 9 महीने का आप करंट पढ़कर चलिए। देखिए सब जितने भी चैनल बता रहे हैं किसी को, देखिए ऑथेंटिक न्यूज़ तो है नहीं, पीएनपी ने किसी को ये तो बताया नहीं हम करंट कहाँ तक देंगे, तो देखिए ये एक अनुमान है ना ही दोस्तों मुझे पता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अनुमान बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो हर हाल में जुलाई 2021 तक का आप करंट पढ़ के चलिए। अगर आप जो है अपने आप को सेफ कैटेगरी में नहीं रखना चाहते तो आपके लिए मार्च 2021 तक का करंट सफिशियंट है। तो देखिए हर जो है व्यक्ति, हर अभ्यर्थी अपने आप को सेफ कैटेगरी में ही ले जाना चाहता है, तो एक बार फिर बताऊंगा अक्टूबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का करंट आप लोगों को पढ़ना होगा। ये दोस्तों एक रफ़ आइडिया है, कोई भी मुझे पीएनपी ने सचिव में बताया नहीं है, ये रफ़ आइडिया है। अगर आप सेफ कैटेगरी में जाने चाहते हैं तो इतना कम से कम करंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात कर लेते हैं तो सेफ स्कोर कितने नंबर पर रहेगा, तो देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि पेपर का कठिनाई स्तर क्या है, पेपर का लेवल क्या है। फिलहाल अभी तक सेफ स्कोर आप लोग ये मान के चलिए 110 से नीचे तो सेफ स्कोर नहीं होने वाला है। देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते होंगे कि 1500 पदों पर जो है लगभग 3 लाख दावेदार हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। हालांकि ये कोई भी दोस्तों ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन अगर 110 कम से कम आप एक को 110 नंबर लाने पड़ेंगे 150 में से, तब आप जो है सेफ कैटेगरी में जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो लिखित परीक्षा 150 अंकों की होने वाली है। जब ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा तो उसकी वीडियो दोस्तों अलग से बना दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी आप लोग ये मान के चलिए कि कम से कम 110 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप सेफ कैटेगरी में जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि आपका मेरिट कितना है, वहाँ पर मेरिट भी रोल करेगा, क्योंकि लगभग 40% लगभग क्या दोस्तों पूरा 40% ही मेरिट इसमें है। बाकी दोस्तों जो भी कट ऑफ होगा ये परीक्षा के टाइम आपको बताया जाएगा, जो भी सेफ स्कोर होगा वो सब बाद में ही बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतनी जानकारी थी। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।